नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू होने, रामजन माह व आगामी लोकसभा चुनाव पर सतर्कता को दृष्टिगत जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल गश्त रूट मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया। गश्त के दौरान महोदय द्वारा शहर के आम जनमानस से संवाद, जिसमें लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के सकारात्मक पक्ष से अवगत कराते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य में किसी भी तरह के अफवाहों का प्रचार प्रसार ना करने व सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। यह रूट मार्च पुलिस चौकी विश्वेश्वरगंज से शुरू होकर खेवा मंडी, रजेतपुर, टाउन हॉल, चितनाथ, नखास, खुदाईपुरा, MAH इंटर कॉलेज के रास्ते कोतवाली पहुंच कर समाप्त किया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर, उपजिलाधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महफोर्स व केंद्रीय बल CISF के पदाधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू हो चुका है, ऐसे में लेकर जिला प्रशासन हर तरह से मुस्तैद है। गाजीपुर की क्या स्थिति है और किस तरह के तैयारी है? इस परिप्रेक्ष्य में गाजीपुर में बिल्कुल सामान्य स्थिति है, और जैसा पूर्व में भी अवलोकन किया गया है, जब 4 साल पहले भी ये बिल पास हुआ था उस समय भी यहाँ सामान्य रूप से सही हालात रहे थे, अभी भी बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ एक CAPF की कंपनी आई हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में 1 तारीख से लगातार हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए, एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए चुनाव से पहले लगातार फुट पेट्रोलिंग हो रही है, फ्लैग मार्च हो रहा है। आज भी जिलाधिकारी गाजीपुर और पुलिस के द्वारा पूरे शहर के अंदर रूट मार्च, फ्लैग मार्च किया गया है, और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, लोगों से वहीं वार्ता करके एक मालूम पड़ जाता है कि शहर का मिजाज कैसा है, लोगों की क्या भावनाएं हैं, तो उसके आधार पर जो लोगों से बात हुई है बिल्कुल सामान्य स्थिति है, कोई विशेष वो नहीं है। यद्यपि इसको लेके पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है, कल से ही है, और सभी थाना क्षेत्रों में लोग अपना अपने संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी वार्ता कर रहे हैं, और सब जगह बिल्कुल सामान्य स्थिति है।